सारी रस्में, तिलक, मेहंदी, संगीत, हल्दी। तो फिलहाल हमें सारी रस्में में अटेंड करने में और उनमें हिस्सा लेने में खुद में बहुत आनंद आ रहा है, और मुखी जी का रिएक्शन देख के भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जनरली इसमें इतना बिलीव नहीं करते हैं, पर हमारी खुशी के लिए वो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं गांव में पहली बार इतने सालों में, तो सब उनकी खुशी में भी शामिल हुए हैं, और सब ये देख के भी बहुत खुश है कि वो इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, तो हाँ सब बहुत खुश हैं ऑब्वियसली, इसलिए तो मैं इतनी खुश हूँ कि और सब भी बहुत खुश हैं। मुखी जी ने भी चैलेंज पूरा कर लिया और मैंने भी चैलेंज पूरा कर लिया, इसलिए हम दोनों इक्वल। मुझे डांस बहुत पसंद है, जब म्यूज़िक चल रहा था तभी मैं करी थी, मुखी जी के जो भी स्टेप थे वो मुझे याद हो गए, तो अगर डायरेक्टर सर बोलते कि अरुण साथ में ज्वाइन हो जाओ तो मैं तभी भी कर सकती थी, पर एनी विच वेज द स्क्रिप्ट डिमांडेड मुझे थोड़ा कम डांस करना है, तो मैं थोड़ा कम डांस कर रही हूँ। वैसे अरु के लुक के बारे में पूछे काफ़ी पिंगिश और कुछ चिड़ियाओं को पिंजरे में कैद जी। हाँ मैं बहुत कलरफुल लड़की हूँ, और गुजरात का टच देने के लिए मेरे तो या यू कैन सी आई एम एनिमल लवर, हमारे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता ही है। आप देखेंगे कि मुखी जी जो डांस कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी एक ट्विस्ट से ही होती है, तो ये तो बात है कि हमारे शो में हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, तो आप देखते रहिए और बताइए आपको ये ट्विस्ट कैसे लगे। थैंक यू।